हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि डिप्लोमा इन फार्मेसी का कॉलेजेस के नेम कैसे सेलेक्ट करना है, मतलब ऑप्शन फॉर्म कैसा फिलअप करना है, ये पूरा वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको वेबसाइट पे आ जाना है, वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। कौन से कॉलेजेस पहले आपको ऐड करना है, TFWS ऐड करना है या नहीं करना है, ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर साइन इन पे हम क्लिक करेंगे, अपना एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालकर। ओके, तो यहाँ पर हमें साइन इन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपकी पूरी इंफॉर्मेशन ऊपर शो कर देगा। यहाँ पर जो प्रोसीड टू सबमिट एंड कन्फर्म ऑप्शन फॉर्म के ऊपर हमें क्लिक करना है। तो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए, ये आप एक बार रीड कर दीजिए। जो स्टूडेंट का नेम फाइनल मेरिट लिस्ट में आया है वही स्टूडेंट जो है एलिजिबल है ऑप्शन फॉर्म फिलअप करने के लिए। उसके बाद कैंडिडेट हैज़ टू सबमिट एंड कन्फर्म ऑप्शन फॉर्म थ्रू लॉगिन, मतलब आपके लॉगिन से आपको ऑप्शन फॉर्म फिलअप करना है, आपको SC सेंटर पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है ऑप्शन फॉर्म फिलअप करने के लिए। ओके, SC सेंटर शाल एक्ट ओनली फैसिलेटर फॉर कैंडिडेट, सो सबमिट एंड कन्फर्म ऑप्शन फॉर्म ऑनलाइन, इट विल बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट, मतलब ऑप्शन फॉर्म फिलअप करने की पूरी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, तो आप यहाँ पर फिल कर सकते, एडिट कर सकते ऑप्शन फॉर्म, और भी जो इंस्ट्रक्शंस है वो आप रीड कर लीजिए। मैं यहाँ पर आगे प्रोसीड करता हूँ। तो सबसे पहला जो है आपको कितने आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आप मैक्सिमम 300 कॉलेजेस फिल कर सकते हैं, 300 कॉलेजेस के ऑप्शन। तो यहाँ पर TFWS एक है, तो TFWS जो स्टूडेंट ओपन कैटेगरी, EWS, OBC और जिनको भी समझो फीस पूरी पे करना पड़ती है, 50% स्कॉलरशिप कम आती है। SC ST कैंडिडेट को TFWS के लिए अप्लाई नहीं करना चाहिए, मेरा सजेशन यही रहेगा। ओके, और यहाँ पर आपको सिंपली जो है तो आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट के आप कॉलेजेस ऐड करना चाहते हैं, या फिर पूरे महाराष्ट्र के ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। ओके, तो पहले आपको जो कॉलेजेस डालना है वो गवर्नमेंट डालना है, अगर आप पूरे महाराष्ट्र में लेना चाहते हैं तो। उसके बाद जो सेमी गवर्नमेंट टॉप के कॉलेजेस है वो डालिए, उसके बाद प्राइवेट जो अच्छे कॉलेजेस है वो डालिए, और उसके बाद जो है तो आपका जो लो लेवल के कॉलेजेस है वो डालिए। ओके, तो ये मेरा सजेशन रहेगा। यहाँ से आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑल डिस्ट्रिक्ट, या स्पेसिफिकली आपको सिर्फ कुछ डिस्ट्रिक्ट चाहिए, जैसे कि औरंगाबाद, बीड़, मुझे जो चाहिए वो मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ हिंगोली, जालना और ये परभनी। उसके बाद आप यहाँ पर ऑल सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर सिर्फ गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट पहले सेलेक्ट कर दीजिए, ऐड कर दीजिए वो सारे गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस। ओके, तो मैं यहाँ पर पहले ऑल सेलेक्ट कर देता हूँ और सिर्फ गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट ऐड कर देता हूँ। उसके बाद ये ऑटोनोमस स्टेटस नहीं भी सेलेक्ट करें तो आप चलेगा, और कुछ स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर माइनॉरिटी जो स्टूडेंट है उनके लिए, कैंडिडेट के लिए कॉलेजेस है वो आप चाहे तो सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नो कर सकते हैं। TFWS के लिए यस कर सकते हैं या तो नो कर सकते हैं, या फिर आप सिंपली यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये जो है गवर्नमेंट अमरावती का है, तो यहाँ पर यस कर दीजिए। ओके, आपको ऑप्शन फॉर्म सेलेक्ट करना है अभी, तो यहाँ पर आप यस कर सकते हैं सिंपली। यहाँ पर मैंने सिर्फ यस किया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर TFWS को ऑल पे कर देता हूँ मैं, यस भी नो भी, जो सीट TFWS के वो भी आ जाएंगे, जो नहीं है वो भी आ जाएंगे। तो TFWS मतलब ट्यूशन फीस वेवियर स्कीम, तो इसके अंदर आपको किसी भी कॉलेज की जो ट्यूशन फीस होती है वो पे करने की ज़रूरत नहीं रहती है, तो इसीलिए ये TFWS है। इसके ऊपर ऑलरेडी डिटेल वीडियो है, आप वो चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे अब सेलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पर ये गवर्नमेंट है, उसके बाद ये सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस है। ओके, तो ये भी आप सेलेक्ट कर दीजिए, जो भी आपको सेलेक्ट करना है उसके हिसाब से। तो मैं ज़्यादा सेलेक्ट नहीं करूँगा क्योंकि आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा फॉर्म देखने के बाद। ओके, तो यहाँ पर ऐड टू सेलेक्टेड लिस्ट, तो अभी हमने यहाँ पर जो ऐड किए हैं वो कॉलेजेस,
तो वो आप इधर चले जाएंगे नीचे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद मैं कुछ प्राइवेट कॉलेजेस ऐड करूँगा, कुछ स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट के ही। तो यहाँ पर अनएडेड पे हम टिक करेंगे, ओके, अनएडेड या सेलेक्ट ऑल कुछ भी कर सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ पर ऑटोनॉमस नॉन ऑटोनॉमस इसे रहने दीजिए आप, इसे सेलेक्ट नहीं भी करें तो चलेगा। उसके बाद यहाँ पर मैं स्पेसिफिकली डिस्ट्रिक्ट के कुछ कॉलेजेस ऐड करूँगा जो मुझे चाहिए, ओके। तो इतने सारे डिस्ट्रिक्ट के मुझे कॉलेजेस चाहिए, तो यहाँ पर अप्लाई फिल्टर के ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर जो है ये सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं, ओके। तो यहाँ पर सारे कॉलेजेस हम सेलेक्ट कर देंगे जितने भी हमें चाहिए। इसी तरह से आप भी सेलेक्ट कर सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ओके। तो इतने ही मुझे चाहिए, बाकी के आप जो ऐड करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, जितने भी कॉलेजेस आपको ऐड करना है, ओके। तो यहाँ पर और एक मुझे जो कॉलेज चाहिए, ओके फाइन। तो ये सारे कॉलेजेस हो चुके हैं ऐड, अभी मैं इसको ऐड टू चॉइस कोड कर दूंगा। तो यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर टोटल कितने ऑप्शंस, 22 ऑप्शंस मैंने सेलेक्ट किए। सेव एंड प्रोसीड पे मैं क्लिक करूँगा। अब अगर मुझे प्रेफरेंस सेट करना है तो मैं प्रेफरेंस सेट करूँगा। तो सबसे पहले जितने भी TFWS है उनके मैं सेट करूँगा, क्योंकि मुझे फ़ीस कम पे करना पड़ेगी सिंपली TFWS के लिए, अगर मुझे एडमिशन मिल जाता है तो, ओके। उसके बाद यहाँ पर जो है तो फर्स्ट ऑप्शन मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक को डाल दूंगा, अगर TFWS भी मिल जाता है या नॉन TFWS भी मिल जाता है तो, ओके। उसके बाद जो मौलाना आज़ाद है ये यहाँ पर मैं डालूँगा एडेड वाला। तो यहाँ पर यू मतलब अनएडेड, तो यहाँ पर आपको प्राइवेट की फ़ीस पे करना पड़ेगी। और यहाँ पर ये जो है तो यहाँ पर थर्ड मैं ऑप्शन उसी के लिए डाल दूँगा, ओके। उसके बाद जो है तो मुझे डालना है मराठवाड़ा शिक्षण प्रसारक मंडल का, ओके, परभणी। तो यहाँ पर भी मैं इसी तरह से सेलेक्ट कर दूंगा, ओके। तो यहाँ पर आप जो है इसी तरह से सेलेक्ट कीजिए, पहले TFWS के डाल दीजिए कॉलेजेस जो भी आपको चाहिए। तो मैं यहाँ पर वही कर दे रहा हूँ, पहले मेरे TFWS के जितने भी कॉलेजेस है वो डाल दूंगा मैं अब प्राइवेट वाले। उसके बाद जो है तो यहाँ पर ऐड कर दूंगा सारे कॉलेजेस। तो यहाँ पर अभी ऐड कर दीजिए आप अपने हिसाब से कॉलेजेस जो भी आपको लेना है, ओके। जो कॉलेजेस में आप ले सकते हैं एडमिशन वो पहले डालिए, जो जिसमें आपको दूर होता है कॉलेज या फिर आप नहीं ले सकते तो वो बाद में डाल दीजिए, क्योंकि सेव एंड प्रोसीड कर दीजिए। फिर यहाँ पर आपको जो है तो ऑप्शन आपके जो सेलेक्ट किए उस हिसाब से आपको देखने को मिलते हैं सारे कॉलेजेस। तो ये एक बार वेरीफाई एंड चेक कर लीजिए कि आपने ठीक से फिलअप किए या नहीं फिलअप किए। अगर कुछ भी इसमें प्रॉब्लम होता है तो आप चेंज कर पाएंगे अभी, लेकिन कंफर्म करने के बाद आप चेंज नहीं कर पाएंगे फर्स्ट राउंड एंड होने तक। लेकिन सेकेंड राउंड के लिए आप फिर से ऑप्शन फॉर्म फिल कर पाएंगे, और थर्ड राउंड के लिए भी आप फिर से ऑप्शन फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। तो अभी जो है ये ऑप्शन फॉर्म की यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड करना है तो कर सकते हैं, या चेंज प्रेफरेंस करना है तो कर सकते हैं, या कुछ नया प्रेफरेंस ऐड करना है तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं आप डायरेक्टली, ओके। तो मुझे कुछ चेंज नहीं करना है, बस मैं यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर आपको फिर से एक बार दिखाएंगा, कन्फर्म पे क्लिक करना है आपको, ओके। तो यहाँ पर मैं कंफर्म पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर अपना पासवर्ड आपको डाल देना है, जो भी आपका पासवर्ड है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर OTP आ जाएगा, वो OTP यहाँ पर आपको वेरीफाई कर देना है, और आपका ऑप्शन फॉर्म जो है वो कंफर्म हो जाएगा। और वो ऑप्शन फॉर्म की एक बार प्रिंट लेना चाहते हैं तो ले सकते, सेफ रहेगा आपके लिए। तो यही पूरी प्रोसेस थी फ्रेंड्स ऑप्शन फॉर्म फिलअप करने की। अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई देने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़ एंड अपडेट्स।